हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ की एक बहुत ही अच्छी पोएम रिस्क। तो ये पोएम कंपोज की गई है जेनेट रेंट के द्वारा। तो आज मैं इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ जाएगी। तो ये जो पोइम है रिस्क, जेनेट रेंट के द्वारा कंपोज की गई, इसमें हमें लाइफ के अंदर रिस्क के बारे में बताया गया है कि हमें जीवन के अंदर क्या क्या काम जब करते हैं उनके अंदर क्या क्या जोखिम रहता है। तो जो भी काम हम करते हैं उसके अंदर, हर काम के अंदर रिस्क रहता है। चाहे हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो हमें निराशा मिलने का उसमें जोखिम रहता है। हम ज़्यादा हंसते हैं तो लोग हमें मतलब पागल कह सकते हैं, ये जोखिम रहता है। ज़्यादा भावुक होने में भी जोखिम रहता है कि लोग हमें गलत समझ सकते हैं, कहेंगे यार बात बात पे रो देता है क्या। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और इसमें आपको जोखिम है कि निराश हो सकते हो आप, हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स ना आए। तो जो भी काम हम छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं उसमें, हर काम में रिस्क रहता है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यही है कि ह्यूमन लाइफ के अंदर जो किस तरीके से रिस्क लेते हुए आदमी है वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है। तो हम इस पोएम के अंदर यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन। देखिए, रिस्क पर पोएम का नाम आ गया है, और जो पोएट हैं इस पोएम के, उनका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, जेनेट रेंट ने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, आप पहली स्टेंजा का अपने अनुवाद करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। टू लाफ का मतलब आपको पता ही है, टू स्माइल, हंसना, इज़ टू रिस्क, हंसने में जोखिम होता है, अपीयरिंग द फूल, मूर्ख दिखाई देने का। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, फूल का अर्थ होता है मूर्ख। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, यदि हम हंसेंगे ज़्यादा तो इसमें हमें किस चीज़ का जोखिम है, फूल दिखाई देने का, हम मूर्ख लगेंगे, लोग सोचेंगे यार बात बात पे हंस रहा है, मूर्ख होगा, पागल होगा, इस तरीके से। तो हंसने के अंदर मूर्ख दिखाई देने का जोखिम रहता है। दूसरी लाइन देखिए, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अपियरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का अर्थ होता है स्टूडेंट्स भावुक होना, बहुत ज़्यादा जो भावुक होता है उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। तो रोने के अंदर क्या रिस्क रहता है, टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, रोने के अंदर ये रिस्क रहता है कि लोग हमें सेंटिमेंटल कहेंगे कि ये सेंटिमेंट है। छोटी सी बात बोल देंगे, कोई सैड बात इसको बोल देंगे तो ये रोने लग जाएगा, बात बात पे ये दुखी हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटिमेंटल लोग कहेंगे हमें यदि हम ज़्यादा रोएंगे। तो रोने के अंदर भी रिस्क होता है कि लोग हमें सेंटिमेंटल कह सकते हैं। उसके बाद में अगली लाइन देखिए, टू रीच आउट टू अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट का अर्थ होता है टू हेल्प अनदर, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मदद करना, उसमें क्या जोखिम रहता है, इन्वॉल्वमेंट का। उसमें ये जोखिम रहेगा कि हो सकता है हमारा कोई स्वार्थ है इसलिए हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, हम उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है मदद करने से, इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं, लोग ऐसा सोचेंगे। तो टू रीच आउट टू अनदर, दूसरों की मदद करने में, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का जोखिम रहता है, हमारे शामिल होने का जोखिम रहता है कि हमारा कोई ना कोई स्वार्थ है उसके अंदर, इसीलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसकी मदद नहीं करते। तो दूसरों की मदद करने में इन्वॉल्वमेंट का जोखिम रहता है। अगली लाइन देखिए स्टूडेंट्स, टू एक्सपोज फीलिंग्स। एक्सपोज फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना, दूसरों को बताना। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अंदर, अपनी भावनाओं को बताने में दूसरों को किस चीज़ का रिस्क रहता है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करने का जोखिम रहता है। यदि हम किसी से अपनी भावनाएं बताएं तो ये लगेगा कि हम अपने आप को दूसरों के सामने खोल करके रख देंगे, हम अपनी जो फीलिंग्स है वो जब दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे तो लोगों को हमारा पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है, किस स्वभाव का ये व्यक्ति है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है या इसको गुस्सा कम आता है, ये हंसता रहता है, इसकी मनोभाव किस तरह के हैं, लोगों को पता चल जाएगा। तो टू एक्सपोज फीलिंग
इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। हम अपने आप को ही दूसरों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। जैसे हम ज़्यादा बात बात पे हंसेंगे या ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा यार ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, और कुछ भी बोल देंगे, हमें ज़्यादा सीरियसली लेंगे नहीं। तो एक्सपोज फीलिंग्स ज़्यादा लोगों को बतानी नहीं चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। एक कहावत भी है, साइलेंस इज गोल्ड। तो हम ज़्यादा चुप रहेंगे कि लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, और उस तरीके से फिर लोग जो है हमारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी बातें जो हम सोचते हैं वो लोगों को पता चल जाएगा, और फिर लोग अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इस स्टेंजा का आपको अनुवाद करके बता देता हूँ। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख दिखाई देने का जोखिम है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, रोने में सेंटिमेंटल यानी भावुक दिखाई देने का जोखिम है। टू रीच आउट टू अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, दूसरों की मदद करने में इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स और अपनी भावनाएं व्यक्त करने में इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को दूसरों के सामने खोल कर रख देने का रिस्क रहता है। अपनी भावनाएं लोगों को बता देते हैं तो लोगों को अपने बारे में पता चल जाता है। दूसरी स्टेंजा देखिए, दूसरी स्टेंजा की शुरुआत के अंदर लिखा हुआ है, देखिए आप, टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड। प्लेस का अर्थ होता है रखना, योर ड्रीम्स अपने स्वप्ने, अपने सपने, आइडियाज अपने विचार बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने। बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनके सामने हम अपने ड्रीम्स बता रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं। इज टू रिस्क देयर लॉस, तो हम अपने आइडियाज़, अपने जो विचार हैं वो भीड़ के सामने यदि बताएंगे तो हमें किस चीज़ का रिस्क रहेगा। इज़ टू रिस्क कोल्ड नेव, यहाँ पे एक शब्द स्टूडेंट्स, मैंने इसमें गलत छपा हुआ था इसलिए मैंने इसको काट के यहाँ पे हाथ से लिखा है। तो नेव का मतलब होता है अनाड़ी, जिसको कुछ पता नहीं होता है, मतलब जो भोला होता है या जो ज़्यादा ना समझ होता है उसको बोलते हैं नेव। तो टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड, यदि हम अपने आइडियाज, अपने विचार एक भीड़ के सामने रखेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे, नेव कहेंगे। टू लव इज टू रिस्क, अब प्यार करने में क्या जोखिम रहता है, देखिए प्यार करने में क्या रिस्क रहता है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में ये जोखिम रहता है कि हो सकता है हमें सामने से प्यार ना मिले। हम किसी से प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो भी हमसे प्यार करे। तो टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में एक जोखिम है कि हो सकता है हमें सामने से वापसी में उतना प्यार ना मिले जितना हम उस व्यक्ति को कर रहे हैं। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, अब टू लिव का अर्थ होता है जिंदा रहना, जीवित रहना। इज टू रिस्क डाइंग, जीवित रहने में क्या रिस्क है, मरने का, हम जिंदा रहने में रिस्क है मरने का। तो इस एक्सट्रैक्ट को दोबारा से देख लीजिए एक बार। टू प्लेस योर ड्रीम्स आइडियाज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क देयर लॉ, इज टू रिस्क कॉल्ड नेव, तो भीड़ के सामने अपने आइडियाज विचार रखने में रिस्क है कि लोग हमें अनाड़ी कहेंगे। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में ये रिस्क रहता है कि हो सकता है सामने से हमें प्यार ना मिले उस व्यक्ति से जिसको हम प्यार इतना कर रहे हैं। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जिंदा रहने में रिस्क है मरने का। अगली स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में क्या रिस्क है, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में हमें निराशा का जोखिम रहता है। हम किसी चीज़ की आशा करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी, जैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि आप परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो जाओगे, बाई चांस आपके अच्छे अंक ना आए तो आपको डिस्पेयर मिलती है, निराशा मिलती है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, यदि हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो हमें असफल होने का रिस्क भी रहेगा। जैसे आप ट्राई कर रहे हो अभी पढ़ने की, परीक्षा में पास होने की, तो आपको फेल होने का डर भी साथ साथ में बना हुआ है। तो ट्राई करने में किस चीज़ का रिस्क रहता है, फेलियर होने का। बट आके देखिए क्या कहा स्टूडेंट्स, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क जो है वो लिया जाना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, हैजर्ड मतलब संकट, खतरा जो होता है उसको बोलते हैं हैजर्ड, जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है, ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, हमारे जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है, इज़ टू रिस्क नथिंग, वो है रिस्क नहीं लेना। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है, ग्रेटेस्ट हैजर्ड, वो क्या है, इज़ टू रिस्क नथिंग, वो है रिस्क नहीं लेना।
तो रिस्क हमें लेना चाहिए। बगैर रिस्क लिए हम ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना आगे कामयाब हो सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस बैठे रह सकते हैं एक जगह। तो हमें रिस्क लेना चाहिए। और जीवन का सबसे बड़ा जो खतरा है, जो संकट है, जो मुसीबत है, वही क्या है? रिस्क नहीं लेना। तो आपको इस स्टेंजा के अंदर अच्छे से पता चल गया होगा कि आशा में निराशा मिलने का जोखिम रहता है, कोशिश करने में फेल होने का जोखिम रहता है। तो हमें रिस्क लेना चाहिए। और जीवन का सबसे बड़ा ये क्वेश्चन भी आएगा, आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम का, कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन आवर लाइफ। तो आपको क्या बताना है? द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन आवर लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। ठीक है, जो रिस्क नहीं लेते हैं उनके जीवन के अंदर बहुत सारी मुसीबतें या वो आगे कामयाब नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में अगली स्टेंजा देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं पाता है, हैज नथिंग, उसके पास भी कुछ नहीं होता है, एंड इज नथिंग, वो खुद भी कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जो रिस्क नहीं लेता है वो उसका क्या होता है? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है अपनी लाइफ के अंदर, डज नथिंग, ना तो वो कुछ करता हैज नथिंग, ना उसके पास कुछ होता है, एंड इज नथिंग, ना वो खुद कुछ होता है, यानी अपनी लाइफ में कुछ भी वो प्राप्त नहीं कर सकता बगैर जोखिम लिए। दे मे अवॉइड सफरिंग। दे यहाँ पे किसके लिए आया है स्टूडेंट्स? दे उन लोगों के लिए आया है जो रिस्क नहीं लेते हैं अपने जीवन के अंदर। तो जो रिस्क नहीं लेने वाले लोग हैं, दे मे अवॉइड सफरिंग, अवॉइड मतलब बचना, सफरिंग मतलब कष्ट, दुख, तकलीफ, एंड सोरो, सोरो का मतलब भी दुख ही होता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, तो वे दुख तकलीफों से तो बच सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते किसी चीज़ को, चेंज कुछ बदल नहीं सकते, बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, लव किसी को प्यार नहीं कर सकते, लिव और जीवित भी नहीं रह सकते, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अंदर रिस्क है। देखिए, जीवित रहने में क्या रिस्क है? मरने का। प्यार करने में क्या रिस्क है? सामने से हमें प्यार नहीं मिलने का। ग्रो आगे बढ़ने में भी रिस्क रहता है, हो सकता है हमें फेलियर मिल जाए, असफलता मिल जाए, चेंज, तो सब के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क छुपा हुआ है। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वे इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, वे ना तो कुछ सीख पाते हैं, ना कुछ महसूस कर पाते हैं, ना चेंज कर पाते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, ग्रो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, किसी से प्यार भी नहीं कर पाते हैं, और जिंदा भी नहीं रह पाते हैं। तो द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, कुछ नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, और वो खुद भी कुछ नहीं होता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे दुख तकलीफ़ों से तो बच सकते हैं जो रिस्क नहीं लेते, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ भी सीख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, प्यार नहीं कर सकते, और जीवित भी नहीं रह सकते। जो जोखिम नहीं लेते हैं, जीवित रहने में भी जोखिम रहता है, रिस्क रहता है हमें मरने का। तो स्टूडेंट्स, हमें उन लोगों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं। लास्ट वाली दोनों जो स्टेंजा है वो उन्हीं लोगों के बारे में है जो रिस्क नहीं लेते हैं। तो लास्ट स्टेंजा देखिए, चेन बाई देयर सर्टिट्यूड, ये भी उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है जो रिस्क नहीं लेते हैं। चेन मतलब जंजीरों में जकड़े रहते हैं, बाई देयर सर्टिट्यूड, किस जंजीरों में जकड़े रहते हैं? सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता, तो निश्चितता की जंजीरों में जकड़े हुए, चेन बाई देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता की जंजीरों में जकड़े हुए, दे आर स्लेव, वे स्लेव होते हैं, दास होते हैं, नौकर होते हैं। तो जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वे निश्चितता, ये देखिए सर्टिट्यूड इसका मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता की जंजीरों में जकड़े हुए, दे आर स्लेव, वे नौकर होते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, फोरफिट का मतलब होता है लूज कर देना, खो देना किसी चीज़ को, तो दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, वे लोग क्या खो देते हैं? अपनी फ्रीडम खो देते हैं, अपनी आज़ादी खो देते हैं। कौन से लोग? जो रिस्क नहीं लेते हैं। तो जो रिस्क नहीं लेते हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण दो लाइनें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इस पोएम की, चेन बाई देयर सर्टिट्यूड, निश्चितता की जंजीरों में जकड़े हुए, दे आर स्लेव, वे नौकर होते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को खो चुके होते हैं।
ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, वे अपनी आज़ादी को खो चुके होते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल वह व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे रूप में आज़ाद है, वही सच्चे रूप में फ्री है, उसी के पास फ्रीडम हम मानते हैं। कौन किसके पास? ओनली ए पर्सन हु रिस्क, केवल वह व्यक्ति जो जोखिम लेता है वही सच्चे रूप में आज़ाद है, उसी को हम सच्चे रूप में फ्री मानते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, एक पर्सन पूछा जाता है आपसे कि हु इज ट्रूली फ्री, सच्चे रूप में आज़ाद कौन है? तो सच्चे रूप में आज़ाद कौन है? ओनली ए पर्सन हु टेक रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री, वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर रिस्क लेता है वह ट्रूली फ्री है, सच्चे रूप में आज़ाद है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको और भी दूसरी पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन या समझनी है तो आप कृपया मेरे चैनल को इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं दूसरी पॉइंट है उनकी एक्सप्लेनेशन भी बना के चलन के ऊपर डालता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक यू।